प्लांट्स। ये बायोलॉजी का है क्लास 12th, मैं पूरा चैप्टर बताऊंगा मगर एकदम छोटे छोटे वीडियो में। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बताता हूँ मैं रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन उसको देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अपने अपने स्पेसिस में जितने भी एनी प्लांट है, क्या है प्लांट, प्लांट है और जितने भी एनिमल है स्पेसिस में, एनिमल्स हैं वो अपने ही जैसे, जैसे प्लांट है तो ये प्लांट को ही प्रोड्यूस करेगा और जैसे ये एनिमल है तो ये एनिमल ही को प्रोड्यूस करेगा। तो ये किस वजह से होता है, तो ये रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, रिप्रोडक्शन। ओके जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ले लिए कैट ले लिए, तो ये कैट अपने कैट को ही प्रोड्यूस करेगा ना, ये देखिए कैट को ही प्रोड्यूस करेगा, ये पेरेंट्स हो गया, ये चाइल्ड हो गया। तो मैं बताता हूँ आपको रीड करके, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स, अपने लाइक को अपने पेरेंट्स को लाइक करेगा वो। इट इज द ऑन इनिशियल प्रोसेस विच लीड्स टू कंटिन्यूस ऑफ स्पेसिस, अपने ये रिप्रोड्यूस करते रहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका रिप्रोडक्शन ना हो। ओके क्वेश्चन, हेलो गाइस, तो देख लेते हैं रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें होता है एक्यूस विदाउट फ्यूजन ऑफ टू कंपेटेबल गैमेट्स और सेक्स सेल होता है। तो गैमेट्स क्या है, तो गैमेट्स देख लेते हैं गैमेट्स क्या होता है, तो गैमेट्स क्या होता है, तो गैमेट्स में क्या होता है, गैमेट्स में होता है मेल होता है और इधर होता है फीमेल। फीमेल हो जाता है, ओके तो मेल और फीमेल। तो गैमेट्स क्या है, तो गैमेट्स हैप्लॉइड है, क्या है गैमेट्स हैप्लॉइड, गैमेट्स क्या हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड टू टाइप्स का होता है, हैप्लॉइड होता है एक और एक डाइपोलॉइड होता है। ओके हैप्लॉइड होता है और डाइपोलॉइड होता है, ओके और हैप्लॉइड में ये एन ऐसे लिखते हैं, एन लिखते हैं और ये टू एन लिखते हैं इसको। ओके तो इधर देख लेते हैं, इसमें ये डाइपोलॉइड क्या होता है, जाइगोट होता है, जाइगोट होता है और ये क्या होता है, गैमेट्स होता है। ओके तो सेकेंड वाला देख लेते हैं, ये आप समझ गए होंगे। ओके रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल प्रोजेनी होता है, मतलब एकदम सेम, जैसे अभी मैंगो है तो ये सेम जैसे प्लांट लगाए प्लांट में मैंगो आया तो फिर दूसरा प्लांट लगाए उसमें भी मैंगो आया, एकदम सेम हुआ कि नहीं। ओके तो इसे जेनेटिकल आइडेंटिकल प्रोजेनी इसका समझ जाओ, एकदम सेम रिजल्ट होता है, प्रोडक्शन होता है। ओके और दूसरा देख लेते हैं, द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल कॉल्ड क्लोन हो जाता है। तो क्लोन क्या है, क्लोन मॉर्फोलॉजिकल है, जेनेटिकल है, आइडेंटिकल है, सिमिलर होता है सब। ओके तो चलिए फिर मिलते हैं, इसका टाइप मैं बताने वाला हूँ, इसके जो ऐसे फर्मेंटेशन है, ब्रीडिंग है। ओके तो ये पूरा बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके सुन चलो बाय, ये वाला आई होप आप लोग समझ गए होंगे।